जय श्री श्याम दोस्तों, वाणी के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं एक कटोरी चने दाल से पूरी परिवार के लिए सब्जी बना के तैयार की हूँ, जो बहुत ही अलग तरीके की सब्जी है और जो इसको मैंने देसी स्टाइल में बनाया है। तो आप लोग भी अपने घर पे इस तरह से बनाइए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके परिवार को ये सब्जी कैसी लगी। चलिए इसको कैसे बनाते हैं बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम चना दाल की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए एक कटोरी दाल लिया था, इसको मैंने रात को भिगो दिया था और आइए देखिए दाल अच्छे से फूल गया है। इसको मैं क्या करूंगी, सिल पे पीसूंगी। तो आप चाहे तो मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं सिल का ही करूंगी, सिल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर से मैं सारी दाल को पीस लूंगी और सिल का जो पिसा हुआ दाल का रहता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको खाने में। ये देखिए मेरी दाल एकदम महीन मैंने पीस लिया है और इसको मैं निकाल लूंगी और इस तरह से मैं सारी दालों को पीस के तैयार कर लूंगी। थोड़ा सा मैं इसका मसाला तैयार करूंगी, तो इसके लिए मैंने कच्ची मिर्ची, अदरक और लहसुन इसको भी मैं सिल पे पीस लूंगी। ये देखिए मेरा अदरक और मिर्ची और लहसुन ये सब का पेस्ट कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है और ये बहुत अच्छे से पीस गया है। ज्यादा इसको महीन नहीं पीसना है और आप इस प्रकार से यदि सिल पे पीस के दीजिएगा तो आपका सब्जी का चार गुना टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं इसको निकाल लेती हूँ इस प्लेट में। चलिए हम इसका सब्जी तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसे मैं डाल दूंगी, ये तेल मेरा गर्म हो गया है, सरसों का तेल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और सरसों तेल में ज्यादा टेस्टी बनता है। तो इसके मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग एक चुटकी और थोड़ा सा मैं जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखी थी उसको भी मैं डाल दूंगी इसमें। ये सरसों तेल है इसीलिए इसमें थोड़ा सा झाग हो गया है और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये इसमें डाल दूंगी मैं जो ये दाल पीस के रखी थी उसको। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी दाल को। और ये बहुत अलग तरीके की सब्जी है, मगर आप एक बार बनाइएगा तो यकीन मानिए आप पनीर का सब्जी खाना भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी बनकर सब्जी तैयार होती है। मेरे घर में तो सभी को ये सब्जी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं ज्यादातर बनाती हूँ इसको। ये देखिए दाल भून गया और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता और ये अच्छे से को मिला दूंगी और ये रेडी है। इसको मैं इस तरह का थाली ले लीजिएगा और इसमें मैं क्या की हूँ, अच्छे से मैं तेल लगा दी हूँ और इसको मैं सारा जो दाल तैयार की थी उसको मैं इसमें ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारे दाल को डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से हाथ से दबा दबा के पूरे मैं फैला दूंगी थाली में। गर्म में ही करना है, ठंडा हो जाएगा तो फिर ये नहीं होगा। तो मैं सब्जी में आलू डालूंगी, तो इसके लिए मैं आलू को थोड़ा भून लूंगी। तो इसके लिए मैंने ये पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं सरसों तेल डाल दी हूँ और ये मैं तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं डाल दूंगी आलू कटा हुआ। मैंने एक बड़े साइज के आलू लिए हैं। ये देखिए मैं आलू अच्छे से फ्राई हो गया था और इसको मैं निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने जो दाल तैयार करके रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया और इसको मैं क्या करूंगी, चाकू से के सहायता से मैं इसको पीस पीस काट लूंगी। देखिए इस तरह से पीसेस मैंने सारे को काट लिया है और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी।
इसको मैं फ्राई करूंगी। तो वह जिसमें आलू फ्राई की थी उसी तेल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसमें मैं ये डाल दूंगी सारे। ये देखिए मैंने सारे डाल दिए हैं और इसको मैं गोल्डन फ्राई होने तक दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने इसको फ्राई कर लिया और इसका देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसको मैं क्या करूंगी, निकाल लूंगी। चलिए मैं इसका ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने पैन में 2 चम्मच कड़ी सरसों तेल डाल दिया और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा और इसमें मैं डाल दूंगी ये एक प्याज मैंने काट के रखा था बारीक उसको। और प्याज को मैं लाल होने तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी। कि देखिए मेरा प्याज फ्राई हो गया है और इस टाइम मैं डाल दूंगी ये अदरक लहसुन और कच्ची मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच। इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी और इस टाइम मैं अब डाल दूंगी मैं ये 2 कटे हुए टमाटर। और इसको मैं अच्छे से मैं भून लूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इस टाइम डालने से टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी सॉफ्ट होने तक टमाटर। ये देखिए मैं टमाटर अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो गया हो और टमाटर मैं अच्छे सॉफ्ट हो गया। और इस टाइम मैं ऐड कर लूंगी मसाले। तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मैं 1/2 चम्मच तक हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। और इन सारे मसाले को भी मैं अच्छे से भून लूंगी। और इस टाइम मैं डाल दूंगी आलू, इसको भी मैं इसके साथ भून लूंगी अच्छे से। ये देखिए मेरी सारी चीजें अच्छे से फ्राई हो गए और टमाटर पूरा अच्छे से गल गया है और इसमें मसाले भी अच्छे से मैंने भून लिया है और इसके साथ मैं आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस टाइम मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी। तो मैं 1/2 गिलास से करीब इसमें पानी डाल दूंगी। ये देखिए मेरा ग्रेवी अच्छे से खोल गया है और इस टाइम मैं ये डाल दूंगी ये जो मैंने दाल का तैयार किया था उसको। ये देखिए मैंने सारे को डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। और इसमें टाइम में डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसमें मैं डाल दी गरम मसाला और इसको मैं मिला दूंगी और इसको मैं 2 मिनट तक ढक के पका लूंगी। चलिए हम सब्जी में 2 मिनट हो गया, इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। और ये देखिए मेरा सब्जी कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है और इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। और इस टाइम मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा हरी धनिया। और आप भी अपने घर पे इस प्रकार से सब्जी बनाइए और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मेरी चने दाल की बहुत ही अलग तरीके की सब्जी बनके तैयार है और ये इसको मैंने पूरी देसी स्टाइल में बनाया है। तो आप लोग भी अपने घर पे इस तरह से बनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।